बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने अपने सेंटर पे कोई डिस्काउंट या ऑफ़र नहीं लगाई हुई, तो हमारा तो ऑलरेडी इकोनॉमिकल रेट्स हैं हमारे 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट, और 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। लाहौर में कई सेंटर्स हैं 100 रुपीज़ पर ग्राफ्ट लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो 5 से 6 गुना सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राफ्ट का काउंट करके आपको पैसे चार्ज करने का क्या फायदा है? जितने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट लगेंगे उतने ही पैसे हम आपको चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी को 7 ग्रेड की बाल्डनेस है, उसके डोनर एरिया बहुत लेस है, सेंटर वाले उसका सर दे के कहें आपका हमने 3 लाख रुपया लेना है, उसके ग्राफ्ट ही सारे 2500 निकले, तो फिर तो उसके साथ ज़्यादती होगी ना कि हमने आपसे 3 लाख रुपया चार्ज भी कर लिया, नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट सारे 2500 निकले। 2500 ग्राफ्ट का पेशेंट को फ़ायदा हुआ या डॉक्टर को फ़ायदा हुआ? जारी बात है, अगर आपने 3 लाख रुपया लमसम अमाउंट उनके साथ डिसाइड की हुई है तो डॉक्टर ने आपके साथ कई सही कमाई कर ली। इसी तरह जब नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट के साथ आप डॉक्टर के साथ डील करते हैं तो फिर आपको ही फ़ायदा है। 2500 ग्राफ्ट लगे तो आपका 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा आएगा, आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके 5000 ग्राफ्ट निकलते हैं तो 1 लाख आपका खर्चा आएगा। तो इस तरह पेशेंट भी कन्फ्यूज़ नहीं होता, उसको भी पता होता है कि इतने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट मेरे लगे और इतने मैंने पैसे दिए, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहती है। ना कि आप आप हाफ हेड फुल हेड के हिसाब से अपनी हेयर ट्रांसप्लांट तय करते हैं तो फिर आप डॉक्टर को उसमें मैक्सिमम फ़ायदा होता है। जितने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट लग गए आपने उतने पैसे देने ही देने होते हैं। बाकी जो हमारा असल टॉपिक था कि लोग कहते हैं डिस्काउंट नहीं लगाते आप, ऑफ़र कोई नहीं, तो इससे कम हम क्या डिस्काउंट दें और ऑफ़र दें और इतना क्रिस्टल क्लियर आपको ग्राफ पर ग्राफ के साथ हम आपको चार्ज करें, इससे ज़्यादा हम आपको क्या ऑफ़र दे सकते हैं? तो कहते हैं कि फलां सेंटर 60,000 लेता है, 70,000 लेता है, तो वो नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट कितने लगाते हैं? 1500, 2000, कोई उनका स्टैंडर्ड नहीं, कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ टेक्नीशियंस की टीम आती है और उधर वो करके चली जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बाद में आप डॉक्टर से पूछ लें ना, उसको टीम का पता होता है कौन सी टीम आई थी, कौन सी टीम हेयर ट्रांसप्लांट करके चली गई है, कोई कम्प्लिकेशन आए तो अक्सर लोग हमसे कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि यार मैंने फलां से कराया था, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। तो फिर मैं कहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट आपने उधर से करवाया है, गाइडलाइन मुझसे ले रहे हो व्हाट्सएप पर, तो आपने कहा था कि व्हाट्सएप पे कहा था कि कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है आप उन्हीं से रब्ता करें। हेयर ट्रांसप्लांट तो आपने सिलेक्शन उनकी की, अब सारी गाइडलाइन देने के लिए मैं तो नहीं ना बैठा हुआ। आप जिनसे डॉक्टर से करवाया, डॉक्टर से नहीं भी करवाया तो टेक्नीशियन से रब्ता करें, जिनसे करवाया, जिनको आपने हम के ऊपर प्रेफर किया। अब गाइडलाइन लेने के लिए आप मेरे पास आएँ और मशवरे लेने के लिए मेरे पास आएँ तो फिर ये तो ठीक बात नहीं ना है। पहले सर्च कर लें, किसी क्लिनिक को सर्च कर लें, रूम की रिप्यूट देख लें, गूगल पर सर्च कर लें, रिव्यूज़ देख लें, क्लिनिक को आप विज़िट कर लें, फिर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ। बाद में आप टेक्नीशियन से करवा के हमें आप व्हाट्सएप पे कॉल्स करते रहें कि मुझे थोड़ी गाइडलाइन दे दें, वो फलां सेंटर से करवाया था, वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, वो तो हमें कुछ बताते ही नहीं है। जारी बात है, जब वो ऑफर्स लगवाते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं, तो यही तमाशा होता है कि एक डॉक्टर है जिसको कुछ पता ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो टेक्नीशियंस की टीम आती है, वो कभी सरगोधा जा रही है, मुल्तान जा रही है, कभी उनका कोई परमानेंट अता पता नहीं होता, वो करके गायब और आप फंस गए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला ही नहीं होता। तो सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर्स और सिलेक्शन ऑफ सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आप अच्छी तरह अपनी जान पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट का सोचें। तो आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।